जिंदगी फॉरएवर, जिंदगी फॉरएवर। ओ यीशु महाराज की यीशु मसीह का अर्थ है नया जीवन। यीशु मसीह का अर्थ ही है मसीहा। यीशु मसीह का अर्थ है बचाने वाला, मसाया। क्या नाम है? मसाया, जो बचाने आता है, जो पूरी कायनात को जिंदगी देने आता है। जब लोग गिरने वाले होते हैं, उजड़ने वाले होते हैं, वो आकर हाथ थाम लेता है। ये है जीसस क्राइस्ट, ये है यीशु मसीह। आपका जीवन जो बर्बादी की तरफ जा रहा था, कहते हैं रोड टू रुइन, वहां से उसने निकाल के हमें सत्य मार्ग। खतरों से आया, मुश्किल से आया। अगर मैं दुनिया का जीवन जीता रहता, कल मैं न्यूज के अंदर न्यूज आ रहा था, उसमें एक बहुत पॉपुलर आदमी की कहानी आ रही थी और उसका जीवन जो उन्होंने बताया, मैं सुन के हैरान हो गया। रिश्तों की अर्थियों के ऊपर लोग सक्सेस पाते हैं। अपने जीवन के अंदर पत्नी को अपनी सक्सेस चाहिए, हस्बैंड को अपनी सक्सेस चाहिए और दोनों सेपरेट होके रहते हैं। कभी डाइवोर्स कर लेते हैं, कभी उसका किसी के साथ, उसको मेरे को सिर्फ मेरे को ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, मुझे सिर्फ वो अंडरस्टैंड करता है, तो वो अंडरस्टैंड करता है। मुझे ये अंडरस्टैंड नहीं करती, मुझे वो अंडरस्टैंड करता है, तो चलो भाई वो करते हैं अंडरस्टैंड। अभी 6 महीने बाद पता चला ये भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, मुझे वो अंडरस्टैंड करता है, तो वो अंडरस्टैंड करता है। मुझे ये अंडरस्टैंड नहीं करते, मुझे वो अंडरस्टैंड। तुझे लेकिन हमारी ट्यूनिंग है। हा, माई वाइफ हैज अ, शी
we have given freedom to understand and understanding. वो दोनों को फ्रीडम है. और आज की सोसाइटी ऐसे जी रही है, अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रही है. और अंडरस्टैंडिंग कहीं मिलती, और बाइबल में लिखा है इन ऑल योर गेटिंग गेट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. और वो जो मैंने जिस आदमी की कहानी कल देख रहा था, एक टाइम पे बहुत सक्सेसफुल, फिर दूसरे टाइम पे बिल्कुल ठंडा, और वो शराब का ग्लास लेकर, मेरे भी दिन दे यार मेरा भी टाइम सी अभी क्या है, ना बाल है, ना खाल है, ना कुछ है, और ना खुदा से पहचान है. लेकिन लकड़ी जल गई, बल नहीं गया. बोलो यीशु मसीह की. ये जीवन अंधकार का जीवन है, ये जीवन आनंद का जीवन. यीशु मसीह सबके लिए आया, लेकिन ऐसे लोगों ने अपनी रूह को शैतान के हाथ में बेच दिया. दे आर सोल्ड टू द डेविल. दे विल नेवर कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ God, because their life is only flesh, 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 flesh. उनका जीवन सिर्फ अपने शरीर की लालसाओं को, इसकी भूख को मिटाने के लिए है. वो आत्मा का जीवन जी नहीं सकते, लेकिन जो आत्मा में जीता है वो अनंत काल का जीवन जीता है. खतरों से आया, ओ मुश्किल से आया. बोलो खतरों से आया, मुश्किल से आया, मुझको यहाँ तक अनुग्रह लाया, मुझको यहाँ तक अनुग्रह लाया. अनुग्रह ही घर ले जाएगा मुझको, यीशु के दर आ गया हूँ, यीशु के दर आ गया हूँ. आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है. बोलो बहुत महत्वपूर्ण दिन है. कितने लोग अपनी बाइबल लेके आए हैं, कितने लोग अपनी बाइबल लाए. एक बार जोरदार इस कलाम के लिए ताली बजाएंगे. किसी ने किसी को वर्शिप बहुत अच्छी लगती है यार, वर्शिप बहुत अच्छी है. ये ठीक है, इसके बाद वचन पे मन नहीं लग रहा. बहुत सारे लोगों को वचन जो है बड़ा हैवी लगता है, वचन नहीं सुनना. वर्शिप बहुत अच्छी लगती है, जो प्रार्थना भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपको जो बताऊं, वर्शिप और प्रार्थना अगर वचन के बिना है तो वो ऐसा मकान है जो नींव के बिना है, जो फाउंडेशन के बिना है. वचन इज द फाउंडेशन. ये जो हम वर्शिप करते हैं, इसलिए ये जो वर्शिप करना है, ये पहाड़ पे जाना है. क्या है? बोलो पहाड़ पे जाना है. क्या है? क्या है? यीशु मसीह लोगों को पहाड़ पे ले जाते थे, चलो चलते हैं पहाड़ पे, चलते हैं पहाड़ पे जाते हैं. और जब पहाड़ पे जाते थे वहां पर वो वचन देते थे. जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम गीत गाते हैं, तो हम अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं. और जब अलग कर लेते हैं, हमारा दिमाग रिफ्रेश होके, अब हम तैयार किस लिए होते हैं? आगे सोचिए, रीना ने घर में खाना बनाने के लिए तवा गरम किया. क्या किया? तवा वा गरम करके, सब कुछ तैयारी करके, जब तवा गरम हो गया, किचन बंद कर दिया. क्यों है? मुझे तो बस यहीं तक मजा आता है. तवा गरम हो जाए, आटा गूंद के लग जाए, और सारे जो तैयारियां हो जाए, खाना ना पकाना पड़े. आमीन. चिकन कट गया, चावल तैयार है, बिरयानी बनने के लिए सारा कच्चा माल
रेडी है और आग भी जली हुई है और उसके बाद बंद करके तो क्या होने वाला है, खाना बनने वाला है। इसी तरह से जब हम तैयार हो जाते हैं, ये जो समय है अब तैयार है कि हमारे, बोलो मेरे दिल तैयार है, बोलो माय हार्ट इज रेडी, माय हार्ट इज रेडी। गर्म हो चुका है तवा, किस लिए? वचन आएगा। बोलो क्या आएगा, क्या आएगा? और वचन हमारे को ताकत देगा। सब बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया। जॉन चैप्टर 3:1, यूहन्ना की किताब 3:1, फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन। हाँ जी, फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था। फरीसी यानी जो उस समय जो बड़े रिलीजियस लोग थे, क्या थे? जो वहां की एक्लिजियास्टिया थी, जो वहां के जो 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 प्रीस्ट क्लास थी, उसको फरीसी, जो जो बड़े नॉलेजेबल लोग थे। तो फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। क्या था? यहूदियों का सरदार, मतलब हेड। सरदार का मतलब क्या होता है? जो सबका लीडर था। और उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी। ये देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, सब जरा गौर से सुने मेरी बात। लीडर था, क्या था? पॉलिटिशियन, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं आजकल लीडर्स। हम कई बार मीटिंग्स पे जाते हैं, और मैं जब जाता हूं कई कई जगह पर प्रार्थना करने, आंध्रा गए, इधर, रात को जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो कोई आते हैं बड़े नाम के लोग, ब्रदर आपसे प्रेयर कर रहे हैं। क्या बोलते हैं आपसे? वो पब्लिक के सामने नहीं आते, क्योंकि पब्लिक के सामने आएंगे तो पॉलिटिकली रॉन्ग हो जाएंगे कि क्रिश्चियन मीटिंग में गए थे। तो रात को उनकी जरूरत है, लेकिन वो ओपनली उस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे उनकी एक इमेज जो है वो खराब हो जाती है। लेकिन प्रार्थना की आवश्यकता है। इसी तरह से ये जो निकुदेमुस था, ये यहूदियों का सरदार था, और उसने रात को जीसस के पास आकर, कब आया वो जीसस के पास? कब आया? रात को आकर उसने क्या कहा? हे रब्बी, हम जानते हैं, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। एक्सेप्ट कर रहा है कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। हम जानते हैं कि तू खुदा का भेजा हुआ है। हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से होकर है, क्योंकि कोई जो ऐसे मिरेकल्स और मौजज़ात दिखाता है, अगर खुदा उसके साथ ना हो तो वो नहीं कर सकता। अगर खुदा उसके साथ ना हो तो वो ये बड़े बड़े काम, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर देते थे, बीमारों को चंगा करते थे, अंधों को रोशनी देते थे, कोढ़ियों को शिफा देते थे। वो कहता है कि ऐसे काम तो कोई कर ही नहीं सकता अगर खुदा का रूह उसके साथ ना हो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। जीसस ने उसके इस पूरे सवाल को भी सुना नहीं। आगे वो ना जाने क्या कहना चाहता था, क्या मांगना चाहता था। जीसस ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, अगर कोई नए सिरे से जन्म नहीं ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। निकुदेमुस ने कहा, अगर मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी मां के गर्भ में दोबारा जाके प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं,
जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। हमें कैसा जन्म लेना है? ये शरीर का जन्म तो हमारा हो गया है मम्मी डैडी ने, थैंक यू मम्मी डैडी, डैडी यहां पर बैठे हैं, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पेरेंट्स, बोलो थैंक यू पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को थैंक करें क्योंकि उन्होंने हमें शरीर का जन्म दे दिया, प्रेज गॉड। लेकिन अब यहां पर बात खत्म, यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको एक नया जन्म लेना पड़ेगा, आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, न्यू बर्थ, बोलो न्यू बर्थ, क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, नया जीवन पाना पड़ेगा, क्योंकि यह जो जीवन है यह तो शरीर का जीवन है, लेकिन जो जीवन ऊपर चलता है वो आत्मा का जीवन चलता है। यह शरीर तो यहां पर रह जाने वाला है और ऊपर जाने के लिए हमारे पास वीजा होना चाहिए। किसी को मरने के बाद वीजा मिलता है? कोई मर गया उसके लिए वीजा अप्लाई करे अमेरिका का, किधर है बंदा, वो तो मर गया, इसको वीजा दे दो। भाई जीता था तो दे सकते थे, मरने के बाद वीजा, जीते जी हम चाहें इस जीवन में तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का वीजा ले सकते हैं, मरने के बाद मिलने वाला, मरने के बाद मिलने वाला, क्योंकि उसके लिए शरीर की आवश्यकता है। आदमी को देखना पड़ेगा कौन है जिसने अप्लाई किया है, कौन है जिसने मांगा है। जीसस ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, अच्छा ऐसा होगा तो कैसा होगा अगर हम ऐसा कर ले, अच्छा चलो ऐसा कर ले, हम जीसस को माने, ठीक है हम सिर्फ जीसस को मानते रहे कि वो बहुत अच्छा आदमी है और हम उसको हेलो हाय करते रहे, काम चलेगा? काम नहीं चलेगा। अच्छा चलो हम जीसस की फोटो अपनी गाड़ी में लटका लेते हैं, काम चलेगा? चलो हम क्रॉस, हम जाके माउंट मेरी पे हार जाके पतासे डाल के आएंगे, लड्डू डाल के आएंगे, कैंडल जला के आएंगे, काम चलेगा? अच्छा ठीक है हम जीसस के नाम से गरीबों को खाना खिलाएंगे, काम चलेगा? नो आर्ग्यूमेंट्स अबाउट इट। जीसस ने कहा अनलेस यू आर बॉर्न अगेन यू कैनॉट एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड, यू कैनॉट इवन सी द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस यू टेक अ न्यू बर्थ, अनलेस यू टेक अ न्यू बर्थ का मतलब क्या है? आत्मा में नया जीवन। आप बोलेंगे निकोदेमस ने पूछा कि मैं तो शरीर से पैदा हो गया, क्या मुझे अपनी मां के पेट में दोबारा जाना पड़ेगा? जीसस ने कहा नहीं, जो शरीर से जन्मा है वो तो आ गया है, लेकिन अब आत्मा में एक नया जन्म लेना पड़ेगा, और आत्मा में नया जन्म लेके आपको एक नया शरीर के काम क्या है? शरीर के जो दुनिया के काम है। अनिल कान पहले कैसा जीवन जीता था? शरीर का जीवन। हम सब पहले कैसा जीवन जीते थे? कैसा जीवन जीते थे? लेकिन जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है हमने आत्मा में नया जन्म लिया है। कहां पर नया जन्म लिया है? कहां पे कुछ बदला है? नया साल आया है, क्या बदलेगा? आत्मा में कुछ बदलेगा। कहां बदलेगा? ये जो न्यू ईयर है दिस शुड बी अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट, आमेन। और न्यू लाइफ कैसी? कि जब शरीर के जो काम थे वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, शरीर के जो थॉट्स थे आपको छोड़ने पड़ेंगे। इट इज नॉट इजी। आप सोचेंगे कि मैं, अच्छा अब नया साल है, ठीक है अब मैं क्या करूं, अब मैं इस साल से बाइबल पढ़ूंगा, ठीक है वेरी गुड, मैं इस साल से सत्संग होगा, ठीक है वेरी गुड, मैं इस साल से वर्शिप के गाने गाऊंगा, वेरी गुड, अब क्या, अब मुझको सेल्वेशन मिल जाएगी? नहीं। सेल्वेशन कैसे मिलेगी? जब आप अपने शरीर का काम छोड़ के
आत्मिक कामों में बढ़ेंगे। जब तक आत्मा में नया जन्म नहीं लेंगे, खुदा की, खुदा याद रखें, गॉड इज नॉट अ जोक। गॉड इज नॉट अ, और मैं आपको बड़ी क्लियरली एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह मजाक नहीं है। आत्मिक जीवन एक रूहानी जीवन है, यह जीवन पवित्रता का जीवन है। यह जीवन जीने के लिए आपको शरीर का जन्म छोड़ के आत्मा में नया जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी पुरानी सारी सोच को त्यागना पड़ेगा, पुराने सारे ख्यालों को छोड़ना पड़ेगा। अगर गुस्से वाले थे तो गुस्से को त्यागना पड़ेगा, अय्याशी करने वाले थे तो अय्याशी को छोड़ना पड़ेगा, बदमाशी करने वाले थे तो बदमाशी को, लड़ाई करने वाले थे तो लड़ाई को, पैसे के पीछे भागने वाले थे तो उसको, कि दो स्वामी की सेवा दो पति की सेवा, कि दुनिया से घर मिले रहोगे, दुनिया से घर मिले रहोगे, दुनिया से घर मिले रहोगे, रब को कैसे पाओगे, रब को कैसे पाओगे, रब को कैसे पाओगे, दो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे। इट इज अ नेसेसिटी, देर इज नो कॉम्प्रोमाइज। बोलो, देर इज तभी फल आएगा, तब ही। आप अपने जीवन में फल देखना चाहते हैं? आत्मिक फैमिली, आत्मिक घर, शांति, आनंद, प्रेम, संतुष्टि, बच्चों के जीवन में फल, बच्चों के जीवन में आनंद, बच्चों के बच्चों के बच्चों के जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी आनंद ही आनंद। बोलो यीशु मसीह की। मैं अभी पंजाब गया था तो वहां पर एक आदमी जो मेरे साथ था कहता है, जी मैं थोड़ा प्रेयर कर लो जी। मैंने कहा प्रेयर कर लो, तो उसने अपना प्रेयर कर लिया। 5 मिनट उसने प्रेयर किया और गाना लगा दिया, ओ अज बंदा मारण दा दिल कर दा, अज दारू पीण दा, ओ अज बंदा वडण दा दिल कर। ओ यार ये क्या लगा दिया, अभी तू प्रेयर कर, बंदा आज क्या करता है उसका, समझ आया क्या कर रहा है उसका, बंदा मारने का जी करता। ओ यार चक्कर क्या है कि डॉक्टर क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्या नहीं है, खुदा का रास्ता अलग है। जब वो रास्ता है तो फिर ये रास्ता है तो फिर वो रास्ता, क्योंकि दो स्वामी की सेवा नहीं कर पाओगे। आपने शाम को दारुआ पीनी है और शाम को अय्याशी करनी है तो फिर सत्संग में आने का फायदा, आपने सिगरेटें लगा के तंबाकू खाने हैं तो फिर सत्संग में आने का फायदा, ये अलग जीवन है, वो ये अलग जिंदगी है। और उसके लिए तो ये तो खुदा का काम तो एक फकीरी है, क्या है, और तभी बाइबल में लिखा है कि देर इज नो कॉम्प्रोमाइज, देर इज नो। रोमियो की किताब 8:7 देखिए, Romans 8:7। रोमियो की किताब 8:7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, कितनी बड़ी बात है। शरीर पे मन लगाना प्रभु से बैर है, क्या है, दुश्मनी है। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, क्योंकि जो शरीर है परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और ना हो सकता। शरीर तो बात मानता ही नहीं है,
अपनी वाइफ को बहुत प्यार से बोलता है, आई लव यू, हेलो, टन 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 टन। 5 मिनट के बाद कोई है क्यों है यार, अभी तो इधर इतना अच्छा था तो मैं तो सब जगह अच्छा हूं। हालेलुया। शरीर तो इसी टाइप का है, क्योंकि इसके ऊपर बाइबल में क्या लिखा है, ये परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन ना रहता है ना। हमें किसके कैसे चलना है, हमें ये शरीर आत्मा के हवाले करना है। किसके हवाले करना है? आप अपने शरीर को प्रभु के हाथ में दे दो, ऐसा हो जाएगा, शरीर पवित्र हो जाएगा। इसके ऊपर आग, गरम गरम आग आ जाएगी, पवित्रता की आग आ जाएगी, शांति आ जाएगी। आप ऐसे होंगे, और आप जब परमेश्वर के हाथों में आ जाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के आगे, नो आर्ग्यूमेंट, नो क्वेश्चंस, ओनली प्योरिटी, ओनली जीसस, ओनली स्पिरिट, ओनली आत्मा, और आप देखोगे कि प्रभु की जो जो ताकत है, कुव्वत है, आपके रोम रोम से निकलने लगेगी, और आप कहोगे तूफान को रुक जा, तो वो यहोशुआ कहता ये बात है।